सुपर बात, अच्छे होंगे बच्चे, सेम प्रॉब्लम सुरक्षित। अब स्वर संधि हम सीख चुके, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग बची हुई है, ये हम सीखते हैं। स्वर संधि में हमने क्या सीखा था, जो दो स्वरों के मेल से योग होता है, जो दो स्वरों के मेल से योग होता है, यानी विकार होता है, परिवर्तन होता है, स्वर संधि। स्वर संधि के हमारे कितने भेद थे, पांच भेद थे। पांच भेद, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा हमारा क्या था, वृद्धि संधि, चौथा हमारा क्या था, यण संधि, उसके बाद अयाग्र संधि। तीनों में स्वर किसी में ए आज हुए है, तो किसी में ए ईज हुए है, तो किसी में ए एज हुए है, तो किसी में ई एच हुए है, तो किसी में ए एज हुए है। पांचों ये हो गए हमारे। उसके बाद हमारी व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि में हमारा क्या है, जब व्यंजन के बाद, तो व्यंजन हमारे कितने हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। चार हमारे अलग से संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो क्षय, त्रय, ज्ञ और स्वय। व्यंजन हमारे कैसे लेकर है तक होते हैं, कैसे लेकर है तक होते हैं। तो व्यंजन की बातें चलती है या व्यंजन से संबंधित है, तो व्यंजन के बाद क्या होता है, किसी स्वर या व्यंजन आने पर, किसी स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर आ जाए उसके बाद या व्यंजन आ जाए, तो जो भी विकार होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जैसे सत फलस, अब यहाँ भी व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन, दोनों व्यंजन है, दोनों मिलाकर यहाँ तय था और यहाँ जय हो गया, यहाँ तय था लेकिन यहाँ जय हो गया, ये हमारा सज्जन। अब इधर क्या है, इधर हमारा तय और इधर है, यानी इधर व्यंजन और इधर स्वर है। तो स्वर और व्यंजन, सॉरी व्यंजन और स्वर मिलाने से हमारा यह हो जाता है जगदीश। यहाँ तय था लेकिन ई मिलाने से ये यहाँ तय में भी चेंज हो गया, ये हो गया हमारा जगदीश। यह हमारे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के थोड़े नियम, तो यानी अलग अलग से जैसे स्वर और व्यंजन का मेल, तो इसमें हमें इधर स्वर आए हैं, इधर व्यंजन आए हैं, इस तरह हमारा मेल संधि परि प्लस छ। तो परि, परि यानी ई स्वर है, यहाँ क्या है, ई स्वर है हमारा, परि प्लस छ, तो परिच्छेद। अब ये चेक भाषा है क्योंकि जब इन दोनों को मिला परिच्छेद, ऐसे नहीं हुआ परिच्छेद हो गया जाता है, तो चेक भी इसमें साउंड थोड़ी थोड़ी आती है। इसी तरह अब ये अनु उ स्वर है, यहाँ उ स्वर है, यहाँ ये छह व्यंजन है, तो दोनों को मिलाने से हो गया ये अनुच्छेद। दोनों को मिलाने से क्या हुआ, अनुच्छेद। अब नी, नी यानी विसर्ग नहीं है, नी छोटी की, जो छोटी की स्वर लगा हुआ है और सिद्ध, सिद्ध भले ही मात्रा लगी है लेकिन पहले स होता है, जैसे स प्लस ई, तभी तो बनता है हमारा सी। तो पहले स व्यंजन है, स व्यंजन है, तो इसका ये इधर स्वर है और इधर व्यंजन, इधर स्वर और इधर व्यंजन, दोनों को मिलाने से हुआ निषिद्ध। अब इसी तरह व्यंजन एवं स्वर का मेल, व्यंजन एवं स्वर का मेल, तो इधर व्यंजन है और इधर हमारे स्वर। दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, तो ये दिक् कै व्यंजन है, क्यों है व्यंजन, क्योंकि ए
व्यंजन का ही मेल है। जैसे दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज, तो हमारा ये कै और गै मिलाने से इस ये कै भी गै हो गया, दिक् गज, क्योंकि उच्चारण करते वक्त खुद ब खुद ही जबकि अलग बनाएंगे तब दिक् बनाएंगे, लेकिन जब मिलाएंगे तो ये गै हो जाता है, दिक् गज। इसी तरह उत् प्लस नै, उत् प्लस नै यहाँ तय है, लेकिन मिलाने के बाद व्यंजन सदी में ये हो जाता है उन्नैन। इसी तरह उत् प्लस ज्वल, तो ये हो जाता है उज्ज्वल। सज प्लस जन, ये पहले भी बताता था हमने, तो ये भी सज्जन, तय का जय हो गया, क्योंकि जो इसके बाद वाला ये वाला जो व्यंजन होता है ज्यादातर उसी में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अब सम प्लस योग, अब यहाँ थोड़ा चेंज है, सम प्लस योग, तो ये हो जाता है मैं, यह का तो यह है ही, लेकिन जो ये मैं है हमारा, ये मैं में परिवर्तन हो जाता है, संयोग। जब बोलते हैं इसको उच्चारण करते हैं तो ये हो जाता है हमारा संयोग। तो ये संयोग यानी साउंड कहीं की आई, अनुस्वार की आई, अंग की आई, मैं अंग में परिवर्तन हो गया। इसी तरह ये यहाँ सम प्लस हा, सम प्लस हा, तो ये संहार, ये क्या होता है मिलाने के बाद, ये मैं यहाँ ऊपर हो गया तो ये हुआ संहार। इसी तरह भगवत प्लस गीता, तो ये तय यहाँ तय में परिवर्तन हो गया, भगवत गीता। अब तय हम आधा नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जाता क्योंकि तय इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि इसके जो ये पाई होती है, जैसे ये है तो इसका तो हम ये हटा देते हैं, तो ये आधा इसका क्या हटाएंगे, तो इसका ये नहीं हटा सकते, इसलिए दयादा हम इस तरह बनाते हैं, दयादा हम तो इस तरह बनाते हैं। ये भगवत गीता, ये हमारी कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि समझ में आ गई है अच्छे से, अब ये हमारी व्यंजन संधि क्लियर हो गई। इसके बाद आती है हमारी विसर्ग संधि, इसके बाद हमारे कौन सी विसर्ग संधि आती है, तो विसर्ग संधि यानी जिसमें विसर्ग आते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश है, इसमें हर पद में, हर शब्द में इसी साइड यानी पहले वाले पद में ही विसर्ग आएंगे, इस वाले में नहीं, क्योंकि यही तो जोड़े जाएंगे, इसमें विसर्ग संधि में यही अंतर है व्यंजन में और विसर्ग में। तो यश है और रस दा, अब यश है और दा मिलाने के बाद हो गया हमारा यशोदा, ओ में परिवर्तन हो गया, ये विसर्ग हमारे कहेंगे ओ में परिवर्तन हो गया यशोदा, जबकि यहाँ नी प्लस गु, तो ये परिवर्तन कहीं में हो गया, ये विसर्ग हमारे रैली परिवर्तन हो गए, तो यहाँ हो गया ये हमारा निर्गुण। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन या अलग अलग थोड़े नियम में बता देते हैं, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस किस में, जैसे अध्यय प्लस गति, अध्यय प्लस गति, तो ये हो गया हमारा अधो गति। इसी तरह मन प्लस जय, तो ये हो जाता है हमारा मनोज। विसर्ग का रहने परिवर्तन, विसर्ग का रहने परिवर्तन, तो रहने परिवर्तन यानी जो विसर्ग हमारे हैं दु प्लस बल, तो ये हो गया हमारा दुर्बल। नी प्लस बल, तो ये निर्बल। अब इसी तरह विसर्ग का शय, 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 तीनों शय में परिवर्तन होता है, तो दु प्लस कर्म, दु प्लस कर्म, तो ये दुष्कर्म। अब ये शय भी एक बार देख लें आप, ये शय बड़ा यू माना तो ये शय नहीं होता, क्योंकि हमारा षटकोण वाला शय मैं यहाँ बताती हूँ, हम ये मनाते हैं, लेकिन जब इसको आधा बनाते हैं तो केवल यही तो हटाना होता है हमें, तो ये हटाना होता है, तो ये शय हमारा ये वाला होता है, तो इस पर ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा दुष्कर्म। अब नमः प्लस का यहाँ कौन सा शय है, छोटा शय है, तो ये नमस्कार,
नि प्लस फल, ये निष्फल और नि प्लस जय, यहाँ ये निश्चय, नि प्लस सार, ये हमारा निश्चय, ये हमारा निश्चय। तो हमारी सारी संधि क्लियर हो गई, सारी संधि यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि हमारी तीन होती है और तीन के बाद फिर स्वर संधि के हमारे अलग से पांच भेद होते हैं। क्लियर हो गई है? तो ये हमारी तीन संधि और तीन संधि में जो पहली संधि स्वर संधि है इसके पांच भेद होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गए। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। हाँ तो बेटा एक्सरसाइज पहले मौखिक ही पूछ लेते हैं। तो मौखिक में संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसके बाद संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे तीन भेद। कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे तीन भेद जो ऊपर भी लिखे हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके बाद पूछा, क्या पूछा कि स्वर संधि के, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? ये होते हैं हमारे पांच। कितने होते हैं? ये हमारे स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण और पर्याय। हो गए। अब इसके बाद पूछा है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि किसको कहते हैं? जिसमें, जिस सब में विसर्ग आते हैं। विसर्ग आने के बाद जो परिवर्तन होता है किसी व्यंजन या स्वर के, विसर्ग आने के बाद जो परिवर्तन होता है तो वो हमारी होती है कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब लिखिए, जा नोटबुक में भी लिखोगे तो संधि क्या पूछा कितने प्रकार की होती है नाम लिखिए। तो संधि हमारी लिखोगे फटाफट ही, संधि आंसर हमारा क्या हुआ? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। संधि कितने प्रकार की होती है? उतार ले साथ साथ कट अच्छे से। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। इनके नाम भी हो गए और कितने प्रकार की होती है ये भी बता दिया है। अब इसके बाद स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं।
तो दो स्वरों के मेल से जो मेल से ऊपर जो विकार वो दो बार लिख दिया भाई, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? यह तीन प्रकार की, सॉरी यह पांच प्रकार की होती है। यह पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि ये पांच प्रकार की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? चार उदाहरण होते हैं। उदाहरण लिखिए। तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस ईश जगदीश, और नी प्लस बल निर्बल। व्यंजन संधि के कोई भी चार सुन निकल। तो ये हमारी खो गई व्यंजन संधि का अंश। अब इसके बाद संधि द्वारा नए शब्द बनाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? संधि द्वारा नए शब्द बनाएं। तो ये लिखे आप अच्छे से।
अब कवि प्लस इंद्र ये मिलाने के बाद हुआ हमारा कविंद्र। फिर है मुनि प्लस ईश, तो ये हो जाता है मुनीश, ये हो गया मुनीश। इसके बाद गुरु प्लस उपदेश, तो ये हमारा हो जाता है गुरु उपदेश, ये गुरु देश। इसके बाद है वधु प्लस उत्सव, ये हो जाता है हमारा वधूत्सव, ये वधूत्सव। इसके बाद न प्लस ईश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नरेश। नर प्लस ईश हो जाएगा हमारा नरेश। और फिर है लास्ट महा प्लस उत्सव, ये हो जाएगा हमारा महोत्सव। देखो दोबारा से एक्सरसाइज देखें, अब जगत प्लस ईश जगदीश हुआ, जगत प्लस ईश जगदीश हुआ, ये हमारे व्यंजन संधि है। हिम प्लस आर्य हिमालय हुआ, ये हमारी ए और आ मिला है, ये हमारी दीर्घ संधि है स्व संधि। और कवि प्लस इंद्र ये भी दीर्घ संधि है कवि इंद्र। और मुनि प्लस ईश मुनीश ये भी हमारी दीर्घ संधि है। गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश ये भी हमारी दीर्घ संधि है। वधु प्लस उत्सव ये भी हमारी दीर्घ संधि है। इसके बाद नर प्लस ईश नरेश ये हमारी गुण संधि है। महा प्लस उत्सव ये हमारी गुण संधि है। आ और उ मिलाने के बाद ओ हुआ और ए और ई मिलाने के बाद ए हुआ, ये हमारी गुण संधि है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको इनका संधि विच्छेद करना है। इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद आपको करना है। तो ये संधि विच्छेद है, ये है हमारा पहले गायक, गायक का हो जाएगा हमारा गय प्लस अप, गय प्लस अप ये हो जाएगा हमारा। तो आयादि संधि में आई और अप आयक हो जाता है, तो ये हमारा काम से कौन सा हुआ गायक। अब ये उद्धार, उद्धार का हो जाएगा हमारा उत प्लस धार, उत प्लस धार उद्धार। इसके बाद है प्रत्येक, प्रत्येक का हो जाएगा हमारा प्रति प्लस एक। इसके बाद धर्मात्मा, धर्मात्मा क्या हो जाएगा धर्म प्लस धर्मात्मा का क्या होगा धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। इसके बाद उज्ज्वल, उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। अब क्या बचा, ये बचा हमारा निवास।
एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब लास्ट वाली, इसमें कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं और संधि विच्छेद के आधार पर संधि के नाम भी बताने हैं। ये हो गया होगा कंप्लीट, जल्दी से उतार लें। अब ये इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लास्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए कुछ शब्दों के संधि विच्छेद दिया गया है, कुछ शब्दों का संधि विच्छेद दिया गया है, तो इसके आधार पर संधि का नाम लिखिए। ये तो आप आपकी बुक में भी है, आप क्वेश्चन इसमें से लिख सकते हो। इसके आधार पर संधि का नाम लिखिए। कंप्लीट हो गई, अब ये कंप्लीट कर लो। ओके बेटा।